Jai Hind, one and all. The next topic we are going to take is the electrical resistance. What do you basically mean by electrical resistance? Electrical resistance का मतलब क्या होता है? जब भी करंट के पाथ में कोई भी ऑब्स्टिकल क्रिएट हो, करंट के फ्लो के पाथ में अगर कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट हो तो उसे हम लोग बेसिकली कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. नाउ बाय द डेफिनेशन वी कैन सी इट इज डिफाइंड एज द ऑब्स्ट्रक्शन पोस्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द डेफिनेशन. नाउ अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं. सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, और उस कंडक्टर को अगर हम लोग एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दिए, हमारे पास ये रहा एक कंडक्टर और इस कंडक्टर को हमने एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दिया, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V हो जाएगा. नाउ सिंस द कंडक्टर विल बी हैविंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो जैसे ही आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करना शुरू करेगा. ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर, उसके रास्ते में कई आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं. तो बार बार आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से जब वो कोलाइड करेगा, जब उसका कोलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा आयंस से, इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होगा एटम्स से, इन दैट केस इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाती है. और कई बार जो कोलिजन हो रहा है, ये जो सक्सेसिव कोलिजन्स हैं, ठीक है, और सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो आपका टाइम लैग है, इसी टाइम लैग को कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम. दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो आपका टाइम लैग आ रहा है, इसे कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम. सो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड रिड्यूस हो रही है, या फिर इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा था, उसके पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, इन्हीं ऑब्स्ट्रक्शंस को रेजिस्टेंस कहा जाता है. नाउ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ओम. दिस इज द सिंबल ऑफ ओम. ओके, बेसिकली रेजिस्टेंस जो डिवाइस प्रोवाइड करता है, उसे हम लोग बेसिकली रेजिस्टर कहते हैं. और रेजिस्टेंस बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है. दिस इज द फिक्स्ड रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है. दिस इज द सिंबल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये आपके वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है, और ये भी आपके वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है. इस सिंबल को आमतौर पे रियोस्टेट की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है. दिस सिंबल इज बेसिकली यूज्ड फॉर रियोस्टेट. मूविंग ऑन टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी भी कहा गया है. सो क्या है ये रेजिस्टिविटी? इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ विथ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. बेसिकली ये तो आपका डेफिनेशन हुआ. जब हम रेजिस्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. वेयर एज रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर. यहां पे हम डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? अगर हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिस्टिंग्विश करना हो तो हम कैसे कहेंगे? पहला पॉइंट तो हमारा यही हो जाएगा कि रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर का प्रॉपर्टी है और रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है. नाउ इफ वी गो फॉर द टेक्निकल व्यू, अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करते हैं, तो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो इन पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है. फॉर्मूला क्या है हमारा? m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, जहां पे m क्या है? m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, e मीन्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम. तो मास और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो वेरिएबल क्या हो सकता है? वेरिएबल हो सकता है आपका नंबर डेंसिटी, क्योंकि नंबर डेंसिटी जो है वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी कर जाएगा. सपोज कोई मटेरियल आपका बहुत गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उसका नंबर डेंसिटी अलग हो जाएगा. कॉपर की नंबर डेंसिटी अलग होती है,
सिल्वर की नंबर डेंसिटी अलग हो जाएगी, सिलिकॉन की नंबर डेंसिटी अलग हो जाएगी. ओके, सो एन इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम. सो बेसिकली फ्रॉम द वेरी फॉर्मूला वी कैन से दैट रो जो है वो एन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और टाउ के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. टाउ का मतलब मैं दो तीन बार बता चुका हूं ऑलरेडी, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं. टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम. हाउएवर सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी इज रो. जिस सिंबल के बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे वो रो है हमारा, और रो का जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो होगा ओम मीटर. द एसआई यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर. रो दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर और द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. ये आपका नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा. सो रेजिस्टिविटी अगर देखा जाए तीन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है. फर्स्ट नेचर ऑफ द कंडक्टर, सेकेंड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड रिलैक्सेशन टाइम. इन तीन चीजों पे आपका रो डिपेंड कर रहा है. एक और चीज है जिसपे रो डिपेंड करता है वो है आपका टेम्परेचर. टेम्परेचर पे भी आपका रो डिपेंड कर जाएगा. तो हमारे पास कितने एस्पेक्ट्स आए रो के? चार एस्पेक्ट्स आए जिसपे रो डिपेंड कर सकता है. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर हैविंग. करंट डेंसिटी. वी नीड टू टॉक अबाउट करंट डेंसिटी. दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. करंट डेंसिटी का बेसिक मतलब क्या है और इसे किससे डिनोट करते हैं? करंट डेंसिटी को सिंबल जे से डिनोट किया जाता है. जे सिंबल से करंट डेंसिटी को डिनोट किया जाता है. और इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो है जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए. दैट इज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी. यहीं से हम करंट डेंसिटी का एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं. एसआई यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. सो करंट डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई हमारे पास? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. फ्यू डेफिनेशन, यहां पे कुछ डेफिनेशन है हमारे पास जो कि हमें पढ़ने हैं और उनका फॉर्मूला बेसिकली हम लोग को याद रखना है. सो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है या फिर डेफिनेशन है वो है हमारा कंडक्टेंस. कंडक्टेंस, ओके. कंडक्टेंस को बेसिकली कैपिटल जी से, कंडक्टेंस को बेसिकली कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है. और कंडक्टेंस इज बीइंग डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. कंडक्टेंस को रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस से डिफाइन किया गया है. सो जी इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर. जी इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर. नाउ वी डू नो वेरी क्लियरली दैट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. ओम जो है वो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है. तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स हो जाएगा या फिर महो हो जाएगा. सो द वे ऑफ राइटिंग विल बी SI unit is ohm inverse, इस तरीके से लिखेंगे, और महो MHO इस तरीके से लिखा जा सकता है. अगर आप सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ohm inverse इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. एम आई क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई. आगे बढ़ते हैं हम इससे. हमने क्या क्या पढ़ा? करंट डेंसिटी पढ़ लिया, कंडक्टेंस पढ़ लिया. अब हमें जो पढ़ना है वो है कंडक्टिविटी. सो नाम से ही बहुत ये क्लियर हो रहा है कि हम किसी एक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं. कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं. जब हम कंडक्टिविटी बात कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी का ही एक मिलता जुलता टर्म, या यूं कहें कि सिमिलर टर्म, रेजिस्टिविटी पढ़ा था. और इस डेफिनेशन से जब हम लोगों ने बात की कंडक्टेंस की, इस डेफिनेशन से एक आइडिया आ रहा है कि जिस तरीके से कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है वैसे ही कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा. हेंस इफ वी टॉक अबाउट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को बेसिकली सिग्मा से डिनोट किया जाता है.
कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट किया गया है एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. सो कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1/ρ. कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1/ρ. देयरफॉर हमें रो का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है एज वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इट. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रो? रो इक्वल्स टू m/NE²τ. ये पता है हमें रो का फॉर्मूला. अगर इसी वैल्यू को उठा के हम रो की जगह पुट कर दें तो क्या हमें ये मिलेगा? सिग्मा इज इक्वल्स टू NE²τ/m एंड वी कैन सी दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. हेंस नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंडक्टिविटी. चूंकि हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो ये हमारा जो फॉर्मूला हो गया ये हमारा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया. नाउ SI यूनिट. अब चूंकि हमें रेजिस्टिविटी का यूनिट पता है सो कैन वी डिराइव द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी की यूनिट को हम डिराइव कर सकते हैं. क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी की यूनिट? बेसिकली दिस इज द रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है? ओम मीटर. ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. सो द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज ओम इनवर्स पर मीटर.